गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू यू ऑल इन अवर एस एस टी क्लास ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड बेटा हम जोग्राफी और हिस्ट्री का एक एक चैप्टर कर चुके हैं आज हम सिविक्स का चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी जिसका मीनिंग है विभिन्नता इन दिस चैप्टर विल भी लर्न अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी कोर्सिस ऑफ डाइवर्सिटी डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के अलग अलग रूपों के बारे में डाइवर्सिटी के कारणों के बारे में डाइवर्सिटी और इनक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है और यूनिटी में और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी बेटा डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विभिन्नता हैव यू एवर इमेजन हाउ एवर सोसाइटी वुड लुक इफ़ एवरीबडी लुक द सेम वोर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ स्पोक द सेम लैंग्वेज एंड सेलिब्रेटेड द सेम फेस्टिवल कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग एक जैसे दिखाई देते एक जैसे कपड़े पहनते एक जैसी लैंग्वेज बोलते और एक जैसे फेस्टिवल मनाते तो क्या होता वुड इट नॉट बिकम वेरी बोरिंग इफ़ वी सी द सेम थिंग्स एवरी डे ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता अगर हम हर रोज़ सेम ही चीज़ें देखते अगर सोसाइटी कन्जिस्टि ऑफ डिफरेंट पीपल हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं कल्चर रिलीजनज एंड लैंग्वेज इनका अलग अलग कल्चर होता है वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वी आर ऑल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ओपिनियंस एंड बिलीव्स हम सारे लोग एक दूसरे से अलग हैं हमारे सबके विचार और अपीयरेंस अलग अलग होती हैं वो प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स हम अलग धर्मों को मानते हैं सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल अलग अलग त्यौहार मनाते हैं एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज़ और अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट फ्राम वन अनदर इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी एक दूसरे से अलग होने की स्थिति को ही डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता कहा जाता है हाई अवर वी मस्ट नॉट कन्फ्यूज डाइवर्सिटी विद इनइक्वैलिटी यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी के बीच में कन्फ्यूज नहीं होना वाइड डायवर्सिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बींग डिफरेंट डाइवर्सिटी का मीनिंग है एक दूसरे से अलग होना और इनइक्वैलिटी इज द स्टेट ऑफ बींग अनक्वल और इनइक्वलिटी का मीनिंग है असमान व्यवहार इनइक्वैलिटी इमर्जेज आउट ऑफ ए लैक ऑफ रिसोर्सिज एंड ऑपरचुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पीपल इन द सोसाइटी इनक्वालिटी का मीनिंग है जब सोसाइटी में रहने वाले कुछ को लोगों को तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं और कुछ को लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाती फॉर इंस्टेंस इन इंडिया इनक्वैलिटी इमर्ज आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम इंडिया में सबसे ज़्यादा इनक्वैलिटी जाति जाति प्रथा में पाई जाती है द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू डिफरेंट ग्रुप जो कास्ट सिस्टम है वो लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है इट ऑल्सो डिक्टेटेड द प्रोफेशंस दै आर द मेम्बर्स ऑफ दिस ग्रुप्स फूड प्रैक्टिस विदाउट बींग सब्जेक्टेड टू एनी चेंज द इिवर्सिबल नेचर ऑफ द सिस्टम इंश्योर दैट पीपल हु बिलोंग टू द हायर कास्ट इंजॉयड मैनी प्रिविलेज इसमें जो ऊँची जाति में रहने वाले लोग होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है उनको सारी फैसिलिटी जैसे कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं वायर पीपल बिलोंगिंग टू द सो कोल्ड लोअर कास्ट वर डिनाइड और राइट्स जबकि निम्न जाति में रहने वाले लोगों को इन सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता है इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स इन इक्वालिटी ऑल्सो इमर्जेज आउट ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसिस बिटवीन द रिच एंड द पुअर इसी इनक्वालिटी की वजह से ही लोगों में इकोनॉमिक डिफरेंस भी पैदा होते हैं यानी कि रिच और पुअर का अलग अलग ग्रुप बन जाता है अब हम आगे डाइवर्सिटी के कारणों के बारे में पढ़ेंगे कॉजिज ऑफ डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इज कोज बाई फैक्टर्स। डाइवर्सिटी के बहुत सारे कारण हैं जो नीचे दिए गए हैं हिस्ट्री जोग्राफी ऑक्यूपेशनल डिफ्रेंसिस लैंग्वेज रिलीजन फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल इसमें बेटा सबसे फर्स्ट है हिस्ट्री पीपल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल फ्रॉम अवर कंट्री टू अन इन सर्च ऑफ न्यू लैंडस जॉब्स और ट्रेड पार्टनर्स वर्ल्ड में रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह नई ज़मीन नई जॉब और नए व्यापार की तलाश में जाते हैं सम ऑफ देम ऑल्सो सेटल्ड इन दीज कंट्रीज़ उनमें से कुछ लोग वहाँ जाके सेट हो जाते हैं दे आर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कस्टम्स एंड कल्चर और भी अपने नए रीति रिवाजों और नई संस्कृति को वहाँ पर जाकर इंट्रोड्यूस करते हैं टू द एग्जिस्टिंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री और जो जो रीति रिवाज वहाँ पर पहले से चल रहे होते हैं वैन न्यू कस्टम्स एंड द प्रिवेलिंग कल्चर ऑफ द नेटिव्स एम्बला गमेटेड जब नए रीति रिवाज और जब वहाँ पर पहले से रीति रिवाज चल रहे होते हैं ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो डाइवर्स सोशल प्रैक्टिस वर इंट्रोड्यूज इन द सोसाइटी तो सोसाइटी में एक नई सामाजिक परंपराओं का जन्म होता है फॉर एग्ज़ाम्पल वैन द मुस्लिम रूलर स्म एंड सैटल्ड इन इंडिया एग्ज़ाम्पल के रूप में जब मुस्लिम रूलर इंडिया में आए और वो इंडिया में सेटल हो गए दे ब्राउड विद दैम द पर्शियन लैंग्वेज वो अपने साथ पर्शियन लैंग्वेज को लेके आई और वैन पर्शियन मोस्ड विद द लोकल लैंग्वेज और जो पर्शियन लैंग्वेज वहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ मिक्स हो गई इट गेव राइज टू ए न्यू लैंग्वेज कोल्ड उर्दू तो इससे एक नई लैंग्वेज का जन्म हुआ जिसे उर्दू कहते हैं बेटा इसमें नेक्स्ट है जोग्राफी द अर्थ कंसिस्टिज ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स अर्थ में अलग अलग तरह के लैंडफॉम्स आती हैं इट हैज़ माउंटेन डेजर्ट्स फर्टाइल प्लेन्स प्लेट कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स इसमें कहीं पर पहाड़ हैं कहीं पर मरुस्थल हैं कहीं पर उपजाऊ मैदान हैं कोस्टल एरियाज़ हैं और आइलैंड आते हैं द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन दे आर बाई लीडिंग टू डिफरेंस इन फूड हैबिट ड्रेस कस्टम्स एंड कल्चर्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड ये जो जियोग्राफिकल जियो विभिन्नता होती है इससे वहाँ के मौसम में चेंजेस आते हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों की फ़ूड है भी, ड्रेस रीति रिवाज और वहाँ का जो कल्चर है वो सब कुछ अलग होता है फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया प्रेफर सी फोर्ट एग्जाम्पल के रूप में जो तटवर्ती इलाकों में लोग लो रहते हैं वो सी फूड खाना पसंद करते हैं वेल पीपल लिविंग इन डेज़र्ट और मरुस्थल में रहने वाले लोग यूजली ईट ब्रेड्स मेड ऑफ माइलेट फ्लोर और जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं वो आटे से बनी रोटी खाते हैं सिमिलरली इन साउथ इंडिया पीपल वेयर लाइट एंड कॉटन क्लोथ थ्रू आउट द ईयर्स इसी तरह जो साउथ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो सारा साल हल्के और कॉटन के कपड़े पहनते हैं वाइल द पीपल इन नॉर्थ इंडिया वेयर क्लोज अकॉर्डिंग टू सीज़न जबकि उत्तरी भारत में रहने वाले लोग सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं बेटा इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑकुपेशनल डिफरेंसेस यानी कि जो लोगों के काम हैं जो लोगों का पेशा है वो भी अलग अलग होता है ऑल ऑफ अस फॉलो ए वाइटी ऑफ ऑकुपेशंस हम सब लोग अलग अलग तरह के पेशे अपनाते हैं डू यू नो ओवर ऑक्युपेशन मेंल्सो डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस वी लिव इन जो हमारा पेशा है वो वहाँ पर रहने वाली भौगोलिक स्थिति पर निर्भर होता है फॉर एग्जाम्पल पीपल हु लिव इन कोस्टल रीजन्स प्रैक्टिस फिशिंग एज देयर मेन ऑक्युपेशंस एग्जाम्पल के रूप में जो लोग समुद्र के किनारों पर रहते हैं उनका मेन ऑक्युपेशन होता है फ़िशिंग करना वेल पीपल हु फर्टाइल प्लेन्स आर मेजरली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और जो लोग उपजाऊ मैदानों में, में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है खेती करना बेटा आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तब तक आपने इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को अच्छे से समझना है थैंक यू हैवे नाइस डे